हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम प्रिया सिंह। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अरबी की सब्जी, जो कि बहुत ही नए तरीके से है। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा केजी अरबी को इस तरह से धो करके रख लिया है। अब धोने के बाद हम इसको जैसे आलू उबालने के लिए गैस पर चढ़ाते हैं, उस तरह से आलू की तरह उबालने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। और इसमें दो सीटी लगाना है, वो भी हाई फ्लेम पे रख के। आपको अगर ज़्यादा मोटी अरबी लगे मेरे से तो आप 3 सीटी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारी अरबी बिल्कुल अच्छे से उबल के रेडी हो गई है। अब इसको हम छील लेंगे। अरबी छीलने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, ये आलू से भी अच्छे से छिल जाएंगी। बस जो गली होगी या फिर सरी होगी अंदर से, उसी को छीलने में दिक्कत आएगी, नहीं तो अदरवाइज अरबी तुरंत हमारी छील करके रेडी हो जाती है। 3 सभी को अरबी को हम छील लेंगे। उसके बाद अगर ज़्यादा लंबी आपकी अरबी है तो इसको पीसेस में हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं इसी शेप में पीसेस में आप भी कट कर लें। और उसके बाद ऊपर से मैंने बेसन छिड़क दिया है। बेसन छिड़कने के बाद इस तरह से, ताकि इसके जो ऊपर की चिपचिपाहट हो वो सूख जाए, इसका मॉइस्चर हट जाए, हमें 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड कर लेना है। उसके बाद नमक आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। नमक हमें ग्रेवी में ही रखना है, इसी के हिसाब से आप नमक ऐड करें। और उसके बाद हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर सब हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, हाफ हाफ चम्मच हम तीनों ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने आमचूर पाउडर ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इन सभी को इस तरह से मिक्स कर लेना है। इस हाथों से मिक्स ना करें, या फिर एक बॉल में ले करके उससे मिक्स करें तो ये ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो मिक्स करने के बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल, थोड़ा सा ज़्यादा तेल हमें लेना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लेंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद उसमें हमें अपनी अरबी को छोड़ देंगे। अरबी को छोड़ने के बाद इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल रेड फ्राई कर लेना है, बिल्कुल कड़क चारों तरफ से, ताकि इसकी किसी भी तरफ से मॉइस्चर ना रहे। बिल्कुल अच्छे से कड़क हमें फ्राई कर लेना है। ये करीब 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे इसको फ्राई करने में। देख सकते हैं कितनी अच्छी से सूखी सूखी हमारी अरबी फ्राई हो गई है। इसी तरह से फ्राई आपको भी कर लेना है। और इसको हल्का हल्का सा दाब लेंगे, दाब करके हम साइड में रख देंगे। और अब हम ग्रेवी बनाएंगे। दाब देने से क्या होगा कि इसमें ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद चलिए अब हम ग्रेवी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसी पैन में जो हमारी तेल बच जाएगी, अगर नहीं बचती है तो ऊपर से तेल रख ले। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा, हींग का फ़ौरन डाल देंगे। जीरा हींग का फ़ौरन डालने के बाद हमें 2 बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज मैंने बारीक काट ली थी, उसको डाल करके बिल्कुल अच्छे से रेड करके हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को बिल्कुल अच्छे से रेड करके भून रही है। जब तक आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को अगर देखा है तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अभी हम मसाले देख लेते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसी में हम अपना हल्दी यूज रख देंगे। हाफ चम्मच मैंने हल्दी यूज किया है। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच मैंने मिर्ची यूज किया है। मिर्ची आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि कितने मेम्बर्स को ज़्यादा तीखा पसंद रहता है, कितने को कम। उसके बाद हम 2 भर भर के चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमारी मसाले में बरकत आएगी। और नमक आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग जब चाहे ऐड कर ले ग्रेवी में। मैं मसाले में ही ऐड करती हूँ हमेशा से, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इसलिए मैंने मसाले में ही डाल दिया। अब चलिए प्याज, ये वीडियो पहले की थी इसीलिए प्याज आ गई। और एक टमाटर को मैंने पीस करके रख लिया है। अब हम मसाला फ्राई करते हैं। ये हमारी प्याज बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो इसमें हम मसाला को डाल दी हूँ। जो सब मसाला हमने एक साथ निकाला था, सभी मसाले को डाल के बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये हमारे मसाले बिल्कुल भून जाए, हाफ भून जाए, तब हम इसमें टमाटर अपना ऐड कर देंगे। देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, इसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, उसका वीडियो स्किप हो गया, मैं नहीं ले पाई। अब इसको अच्छे से, जब आपके मसाले भुन जाए, आपको लगे कि मसाले भुन करके रेडी हो गई है, तब हम इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और उसको भी डाल के करीब 2 से 2.5 मिनट तक हमें इसे भून लेना है। बेसन को भी हम अगर अच्छे से भून लेंगे
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देंगे। देख सकते हैं बेसन भी भून के कितनी अच्छी थिकनेस गार की पकड़ ली है। थोड़ा सा पानी डाल के भी मैंने फिर से भूना, क्योंकि बेसन के वजह से ज़्यादा थिकनेस आ गई थी। अब इसमें मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया है ताकि थोड़ी देर वो भी फ्राई हो जाए। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद हम इसमें में हमारी चौरवी थी उसे डाल करके बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारी चौरवी हो उसमें मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। करीब 3-2 मिनट तक हम अरबी को डाल करके भून लेंगे। इनको भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। आपको जितना पानी चाहिए उतना ग्रेवी के अब्जॉर्ब के अनुसार पानी ऐड करेंगे। और हाँ, इसमें भी आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर, नहीं तो आम है तो आम का घोल भी आप ऐड कर सकते हैं। आम के अचार का घोल आप ऐड कर सकते हैं, या फिर कच्चे आम का सीजन है तो कच्चे आम को भी पीस करके डाल सकते हैं। क्योंकि अरबी में खट्टी डालने से होती है कि इसकी कभी कभी होती है कि हमारी अरबी देसी अरबी हो जाती है तो उसमें खुजली आने की ज़्यादा समस्या आ जाती है, तो वो उससे हमें राहत मिलेगी, हम पहले ही बचाव कर ले। क्योंकि बनाने के बाद कभी कभी हमें पता चलती है कि अरबी है देसी वाली अरबी है। तो देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग आप इसी तरह से पानी ऐड कर लें। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर ले, आपको जितना थिक चाहिए उसी के हिसाब से। देख सकते हैं बेसन की वजह से हमारी जो ग्रेवी है वो पतली नहीं हो रही है, तो इसको अब हम ढक देंगे या करीब 5-7 मिनट तक उबालेंगे, ताकि हमारी जो अरबी हो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक उसमें ग्रेवी चल जाए और पक के रेडी हो जाए। देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी है रेसिपी।